सब्सक्राइब कीजिए यूबीपी स्मार्ट गुरुकुल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग वीडियो, स्टॉक मार्केट टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट्स और ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स के बारे में सबसे पहले जान। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे फ्रेंड्स। 10 इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुडे, इस सीरीज में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कल के लिए 10 बेहतरीन कमाई देने वाले स्टॉक्स, जिसमें आप कल यानी कि 20 नवंबर 2018 को इंट्राडे ट्रेडिंग करके ज़बरदस्त अर्निंग करेंगे फ्रेंड्स। आपको बता दें, मेरे द्वारा जो भी स्टॉक्स बताया जाता है और जो तरीका बताया जाता है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखें, ताकि आपको 100% कल के दिन अर्निंग हो ही। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि पहला स्टॉक हमारा कौन है। पहला स्टॉक हमारा फ्रेंड्स HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को आपको देखना है कि 9:45 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर अप ट्रेंड में रहे और निफ्टी FMCG का भी इंडेक्स 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब आपको बाय करना है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। और टारगेट रखना है 1724 का, स्टॉप लॉस लगाना है 1701 का। दूसरा स्टॉक है फ्रेंड हमारा, वो है रिलायंस। रिलायंस में देखना है कि आपको 9:45 तक रिलायंस का ट्रेंड अप ट्रेंड रहे 9:45 तक, और निफ्टी जो है निफ्टी भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हमको बाय ट्रेड लेना है। और रिलायंस में टारगेट रखना है हमको 1170 का, स्टॉप लॉस लगाना है 1150 का। तीसरा स्टॉक है हमारा फ्रेंड्स, वो भी बाय ट्रेड के लिए ही है, ITC। ITC में देखना है कि निफ्टी FMCG का इंडेक्स 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और ITC का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखेंगे इसमें हम 287 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 284 का। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा विप्रो। विप्रो में देखना है कि 9:45 तक निफ्टी IT का इंडेक्स अप ट्रेंड में रहे और विप्रो का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखेंगे इसमें 337 का, और इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये स्टॉक अगर 9:45 तक अप ट्रेंड में रहता है उसके बाद भी इसका चांस है कि 325-26 तक भी आ सकता है गिर के। तो 9:45 तक अगर अप ट्रेंड में रहता है उसके बाद इसका प्राइस गिर के 325-26 भी आता है तो भी आपको उसी टाइम में बाय कर लेना है, क्योंकि इसका टारगेट 337 जो है वहां तक जरूर पहुंचेगा कल के दिन भी ये स्टॉक। अगला स्टॉक है फ्रेंड हमारा HCL। HCL टेक में देखना है कि 9:45 तक निफ्टी IT का इंडेक्स अप ट्रेंड में रहे और HCL टेक का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखेंगे HCL टेक में 1065 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1040 का। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा फ्रेंड। टेक महिंद्रा में देखना है कि निफ्टी IT का इंडेक्स 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और टेक महिंद्रा का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड रहे, तभी इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और टारगेट रखेंगे 745 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 732 का। अगला स्टॉक है हमारा फार्मा इंडस्ट्री से, वह फ्रेंड बायोकॉइन। बायोकॉइन में देखना है कि निफ्टी फार्मा का ट्रेंड 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और बायोकॉइन का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। टारगेट रखेंगे इसमें 636 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 630 का। फ्रेंड्स कल के दिन भी हमारा ये टारगेट दिए थे इसका, और 630 का टारगेट दिए थे, वो अचीव हो चुका था। अगला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक में फ्रेंड्स देखना है कि निफ्टी बैंक का इंडेक्स 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे और HDFC बैंक का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। और इसमें टारगेट रखना है फ्रेंड्स हमको 2031 का, स्टॉप लॉस लगाना 2013 का।
नम्मा स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखना है फ्रेंड्स कि 9:45 तक निफ्टी बैंक का इंडेक्स अप ट्रेंड में रहे और एक्सिस बैंक का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे और टारगेट रखेंगे 629 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 616 का। दसवां और आखिरी स्टॉक है हमारा कल के लिए फ्रेंड्स हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखना है फ्रेंड्स कि 9:45 तक निफ्टी मेटल का इंडेक्स अप ट्रेंड में रहे और हिंडाल्को का अपना ट्रेंड भी 9:45 तक अप ट्रेंड में रहे, तब इसमें हम बाय ट्रेड लेंगे। टारगेट रखेंगे 238 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 234 का। फ्रेंड्स तो आपने देखा 20 नवंबर 2018 के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 10 बेहतरीन कमाई देने वाले स्टॉक्स, जिसमें आप मेरे तरीका से ट्रेड लेते हैं, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 100% 20 नवंबर 2018 को अर्निंग होगा ही फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको अर्निंग होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक तो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय देना तो बिल्कुल ना भूलें कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो, अर्निंग होता है या नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।